आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स पे आई होप कि आपने पीछे कुछ रिविजन किए होंगे और नहीं किए तो प्लीज डू सो यू मस्ट डू सो क्योंकि कारक तत्व अगर पकड़ लिया आपने यू विल बिकम चैंपियन अगर कारक तत्व नहीं पकड़े किसी के आपने तो एस्ट्रोलॉजी में इट्स लाइक ए पानी में लठ मारने वाली बात होगी और कुछ नहीं होगा अगर कारक तत्व नहीं पकड़े एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता कारक तत्व पकड़ लो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कारा तत्व पकड़ लिएस्ट्रोलॉजर से आप ऊपर होंगे आई एम गारंटिंग यू अगर आपने काला तत्व पकड़ लिए तो और तो आपने तो काला तत्व तो, नहीं पकड़े हाँ, तो तो आप वो जो पंडित जी होते ना वो जो कुंडली मिलान कर रहे होते वही तक रह जाओगे आप इससे आगे नहीं जाओगे क्योंकि पूरी एस्ट्रोलॉजी का बेस कारक है और कारक इंपॉर्टेंटली चार होते हैं चार में से ही मैं बोलता हूं चार भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे चार प्लेनेट राशि भाव और नक्षत्र उसमें से भी मैं ये बोलता हूं कि दो चीज इंपॉर्टेंटली पकड़ के चलो जिंदगी में पहला भाव दूसरा प्लेनेट भाव और प्लेनेट के कारक को पकड़ के घोट के पी गए ना अगर आप तो यू बिकम एस्ट्रोलॉजर यू बिकम क्योंकि रिजल्ट तो आपने वही बताना है जो भाव दे रहा है और जो प्लैनेट माध्यम से दे रहा है रिजल्ट तो वही आएंगे बाकी तो सब सूत्र है सूत्र तो इंसान जोड़ लेगा सूत्र जोड़ना मुश्किल काम नहीं है सूत्र जुड़ जाते हैं कारक जोड़ना बहुत मुश्किल है कारक याद नहीं आते इंसान को और चार पांच छह कारक में ही अटक के रह जाता है इससे ज्यादा कारक ही याद नहीं आते इंसान को ठीक तो भाव हम कर चुके थे आज हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं प्लैनेट पे तो प्लैनेट पे जब स्टार्ट स्टार्ट करेंगे तो प्लैनेट की थोड़ी सी पहले तासीर को समझेंगे उसके बाद प्लेनेट की विस्तार में जाएंगे समझेंगे पहले सूर्य 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 से बात करेंगे सुरे। सुरे क्या है जन्म कुंडली में सूर्य पिता का कारक ग्रह है अब पिता का कारक ग्रह होने के साथ साथ सूर्य जो है सरकार का आत्म कारक ग्रह सरकार का कारक ग्रह आत्म का ग्रह है सूर्य अगर हम जाति की बात करें तो क्षत्रिय जाति का प्लानट है सूर्य क्षत्रिय जाति का प्लानट है सूर्य और जो प्लान जिस राशि में उच्च का होता है उसके अपोजिट राशि में नीच का होता है सूर्य हमेशा एक नंबर की राशि में उच्च का होता है एक नंबर की राशि होती है मेष राशि हमने राशियां भी करी थी राशि नंबर हमने कर लिया था पहले तो मेष राशि में सूर्य उच्च का ग्रह होता है और उसके अपोजिट राशि आती है मेष के सात नंबर की राशि वो होती है तुला और तुला में सूर्य नीच का होता है अब आप थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट देता रहूंगा उसको समझते चले आना सातवां नंबर का घर सातवां नंबर का घर हमारे पाटना का घर था शुक्र का स्थान है सूर्य आप ये मान के चलो आत्मा का कारक ग्रह है शुक्र के साथ हिसाब किताब नहीं बैठता शुक्र यानी कि सूर्य एक बोल्ड प्लैनेट है सूर्य अग्नि तत्व का प्लैनेट है सूर्य पुरुष प्लैनेट है लेकिन उसका जो हिसाब किताब है शुक्र से नहीं बैठता और शुक्र में जाके वो नीच का हो जाता है इसलिए शुक्र में जाके नीच का हो जाता है और जब कुंडली के सातवें घर में शुक्र सूर्य बैठता है तो इसलिए शादी में विघन देता है अब मैंने ये भी बोला था कि आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां हमेशा अपने पास रखेंगे ठीक सूर्य इसलिए सातवें घर में जब बैठता है तो हमेशा नीच का चाहे वो राशि में बैठा हो या ना बैठा हो दो तरीके से नीच का ऊंच का देखते हैं पहला तरीका तो राशि से कि राशि में कौन सी राशि में बैठा है दूसरा तरीका उसकी पोजीशन से भी होता है पोजिशनल इम्पैक्ट भी आता है अगर सूर्य सातवें घर में जाके बैठ गया तो उसके जो इम्पैक्ट पोजिशनल इम्पैक्ट हो गया वो भी वीक हो जाते हैं सातवें घर में सूर्य वीक हो जाता है क्योंकि वैसे भी नीच का है सातवीं राशि में अब सातवीं राशि ना आए वहां पर कोई और राशि आ जाए आठवीं आ जाए नौवीं आ जाए दसवीं आ जाए बारहवीं आ जाए बट पोजिशनल इम्पैक्ट सातवी का आएगा ही आएगा नीच का आएगा इसलिए वो जब सूर्य सातवें घर में बैठता है तो मैरिज में विघन देता है सूर्य आक्रामक प्लेनेट है सूर्य जो क्षत्रिय प्लान है क्षत्रिय प्लान अकारात्मक है, होते हैं समझने की कोशिश करना क्षत्रिय तो क्षत्रिय क्षत्रियामक है सिंपल सी बात है अग्नि वाला अग्नि तक हो गई होगा अक्रूर स्वभाव का प्लैनेट आता है जाएगा क्रूर स्वभाव का ठीक है क्रूर स्वभाव का प्लान माना जाएगा और इसका जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति सूर्य की होती है तासीर को समझ रहा अगर आपने तासीर को पकड़ लिया प्लानट की तो काफी कुछ पकड़ में आ जाती है बात पित प्रकृति का प्लैनेट होता ही है तो इसलिए जिसके लगन में सूर्य बैठा होता है वो उसके पित्त बहुत होती है उन व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि लगन में लगन क्या था हमारा हम स्वयं शरीर तो जिसके लगन में सूर्य बैठेगा वो व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आएगा उसकी नाक हमेशा ऊंची रहेगी ऐसे वो नीची नाक से काम नहीं कर सकता नाक में मक्खी बैठना भी उसको तकलीफ का काराक है उसकी उसके साथ ये हमेशा थोड़ी सी चीजें रहेंगी सूर्य सोने का कारक है धातु में सोना का कारक माना था सूर्य सूर्य जो सात्विक गुण का है आत्म कारक है ना? तो सात्विक गुण का कारक कारक माना था इसलिए सात्विक गुण सूर्य है सात्विक गुण तीन गुण होते हैं रजस तमस और सतव तो सतव सबसे पहले सतव रजस और तमस

ठीक तो ये मतलब जो सब पार्ट दिस इज वन ऑफ दी रेमिडी एक्चुअली जिसका सूर्य वीक होता है सूर्य बुखार का मोहासो का कारक ग्रह है मृगी का पित्त का इन सब चीजों में सूर्य सूर्य का स्थिर माना स्थिर माना जाता है सब पित्त में क्या क्या आएगा मतलब पित्त से रिलेटेड क्या बीमारी होती है सब पित्त से पित, जलन जलन, पित, एस्टिक? एस्टिक, पित, गेए। गेए। पित? जलन होता है जलन होता है ब्लड के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाता है कई बार खून बहता है हमारे नाक से बहता है हमारे और जेनेटिकल पार्ट से बहता है खून तो सब कारक बनते हैं इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है ब्लीडिंग भी हो जाती है तो पित्त के कारक बनते हैं सूर्य जो है सरकार का ग्रह है सूर्य इट्स नॉट ए एक्चुअली इट इज ए स्टार सूर्य जो है स्टार है प्लेनेट नहीं है लेकिन हम प्लैनेट की संख्या में तो प्लैनेट पांच ही है ठीक mm -hmm. है दो स्टार है और दो Planets, Planets, Planets. दो वर्चुअल uh, पॉइंट है ठीक है दो वर्चुअल राहु केतु इज आर दर्चुअल सूर्य चंद्रमा आर स्टार्स Stars. और पांच प्लैनेट है बट हम की संख्या में लेके चलते तो इसलिए इस हम बोलते हैं प्लान ठीक है सूर्य जो है सूर्य जो है अथॉरिटी का कारक है पावर, कारक है, पावर सरकारी सरकारी का कारक है गवर्नमेंट अथॉरिटी पावर मिनिस्ट्रियलशिप सरकारी तंत्र सरकारी महकमा सरकार का कारक सूर्य जो है राजा है और राजा को किसी के अंडर में काम करने में मजा नहीं आता जिसके जीवन में सूर्य प्रोमिनेंट काम कर रहा होगा ना वो किसी के अंडर में काम करके खुश नहीं है वो कहेगा भैया राजा तब आएंगे और एक बयान में दो दलवार नहीं रह सकती ठीक तो ये देख के देखना जिसके लगन में सूर्य होगा वो व्यक्ति काम अब किसी कंपनी में काम करोगे तो किसी तंत्र में ही काम करेंगे लेकिन काम करते वक्त भी वो व्यक्ति जो है अपने आप को रखेगा के काम नहीं करेगा दबाव में काम नहीं करेगा चौड़े तो में काम करेगा और जिसके सूर्य अच्छा काम कर रहा होगा वो व्यक्ति वैसे भी किसी दबाव में काम नहीं कर रहा जिसका सूर्य वीक होगा यहां रहा वो फ्रस्ट्रेशन में काम करेगा साथ साथ कुछ बता रहा हूं जो प्लस माइनस दोनों चीज बता रहा हूं उसको समझते जिसका सूर्य वीक होगा वो फ्रस्ट्रेशन में काम करेगा व्यक्ति ठीक सूर्य बिजनेस अगर बिजनेस करेगा तो वो बिजनेस जो तो मोनोप्लिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस करेगा अपने तरीके से अपने आप से आसानी से ऐसा नहीं करेगा कि कुछ भी एनीथिंग एवरीथिंग वाला काम नहीं करेगा वो ऐसा करेगा जिसके अंदर उसको एक market ऐसी मिले जो कि वो में काम कर सके, काम कर कर सके, सके, ठीक? सूर्य अगर वीक होगा तो व्यक्ति ग्रीडी होगा सेल्फ सेंटर होगा और उसको शारीरिक कष्ट होगा जैसे जो अभी मैंने बताया जिन जिन पार्ट्स का शारीरिक कष्ट होगा सूर्य अगर अच्छा होगा व्यक्ति पावरफुल होगा इंटेलेक्चुअल होगा प्रॉस्पेरिटी सक्सेस उसके साथ साथ चलेगी जीवन में होगा फेम नेम फेम नेम कमाएगा ठीक सूर्य के जो तीन नक्षत्र होते हैं वो होते हैं कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तर शाढ़ा ये तीन नक्षत्र होते हैं जब नक्षत्र में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएंगे वैसे बता रहा हूं साथ ही मैं सूर्य का जो कलर होता है वो होता है सफ्रॉन कलर ऑरेंज सफ्रॉन कलर वो सूर्य का कलर होता है ठीक है और उसका जो मेटल होता है वो होता है गोल्ड या कॉपर एक्चुअली कॉपर इज अ मोर अप्रोप्रिएट मैटर मेटल फॉर सूर्य लेकिन गोल्ड जो है उसका सहायक होता है कॉपर मोर इज मोर अप्रोप्रिएट तांबा इज मोर अप्रोप्रिएट तांबा ठीक सूर्य का जो एलिमेंट होता है वो फायर होता है फायर एलिमेंट का प्लैनेट है सूर्य सूर्य का जो देर टू थिंग्स वन इज द रूलिंग डाइटी एंड सेकंड इज द रूलिंग गॉड दे रूलिंग डाइटी देवी देवता अदर थिंग इज रूलिंग गॉड तो सूर्य का जो रूलिंग डाइटी है वो अग्नि है गॉड ऑफ फायर गॉड ऑफ फायर और सूर्य के केस में जो रूलिंग रूलर है रूलिंग गॉड है वो भगवान शंकर भगवान शंकर से उनको संबोधित किया जाता है सूर्य को और जो स्टोन सूर्य के, के पहना जाता है वो नॉर्मली वो जो मेनली पहना जाता है रूबी पहनाता है रूबी के बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं जो पहन लिए जाते हैं बट रूबी इज मेन स्टोन सूर्य का माणिक माणिक बात माणिक ठीक है सूर्य के जो आर्टिकल्स होते हैं वो घेहूं कॉपर गुड़ लाल रंग के फूल लाल रंग के क्लोथ घी सैंडलवुड रूबी ठीक गोल्ड ये सूर्य के जनरली पदार्थ माने गए हैं तो इसलिए ये आर्टिकल्स माने गए हैं सूर्य अगर पावरफुल होता है पथरी में अगर सूर्य पावरफुल होता है पथरी में तो गंजापन भी देता है लोगों के बाल उड़ जाते हैं ना तो गंजापन देता है वो ये सूर्य स्ट्रांग होने की खासियत है अरे सुमित जी आप अपने सर पे हाँ आपको नहीं बोले। तो ही <laughs> पावरफुल तो तो रहता है, तो है यादर नहीं नहीं और कई जगह पे कई जगह पे पावरफुल होता है आएगा आगे ठीक आएगा मैं क्या बोला था हाँ सूर्य इफेक्ट्स ऑफ पावरफुल सूर्य सूर्य कमांडिंग एबिलिटी देता है नेम फेम पोजीशन डिग्निटी वायटलिटी एनर्जी प्रदान करता है हैप्पीनेस प्रदान करता है एक रॉयल फीलिंग देता है ऑप्टिमिस्टिक विचार देता है पावर देता है अच्छा टेम्परमेंट देता है एक होता है वीक टेम्परमेंट मतलब इंसान कहीं भी बिखर जाता है कहीं पे भी कुछ भी कुछ भी कभी, कभी भी वो वाला स्टेट नहीं होता जिसका सूर्य अच्छा होता है जिसका सूर्य अच्छा होता है वो सोच समझ के बात करता है को मेंटेन करता है एक वार्म अफेक्शन की फीलिंग आती है उसमें से एक एल्डर की फीलिंग आती है एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है सरकार से उसको सम्मान मिलता है वेल्थ जनरली ये लोग जीनरियस होते हैं काइंड नेचर के सिंपैथेटिक नेचर के लोग होते हैं ये अगर सूर्य पावरफुल है तो अगर सूर्य यही वीक होगा तो ऐसा व्यक्ति ऐसा शेकी टेम्परामेंट वाला होगा लोगों से जलता होगा इरिटेबल होगा मीन किस्म का इंसान होगा एरोगेंट होगा इगोस्टिक होगा ठीक इरिटेबल इंसान होगा एक बहुत ज्यादा एक, एक होती है ना रॉन्ग प्राउडी मतलब एक फालतू की प्राउडीनेस फीलिंग कुछ करना नहीं धरना नहीं फालतू में हो, चुड़ौना ये सूर्य फालतू में चुड़ौना ठीक सूर्य अगर वीक होगा तो इमोरल किस्म का इंसान होगा मिस करेगा अपनी पावर को अपना हक हाँ जिताएगा जबस्ती का दादागिरी जबस्ती की दादागिरी सुरे वाले जो लोग होते हैं आमतौर पे इनके जो बाल होते हैं छोटे होते हैं कलर भी इनका जो है ब्लैकिश रेड कलर का इनका कलर होता है स्किन का जनरली इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉग होती है अगर अच्छा सूर्य होता है इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है कमांडिंग पावर अच्छी होती है इनकी और इनके ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं एक अच्छा बिल्डअप होता है इनका आंखें भी के बार इनकी कलरफुल आईज होती सूर्य के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो हार्ट ब्रेन राइट आई बोन्स ठीक ब्लड सर्कुलेशन और प्रोफेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य को हम सरकार से लेकर सरकारी तंत्र में पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशंस में मेडिसिन में और फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट का कारक होता है सूर्य फॉरेस्ट के अंदर मतलब जंगलों का कारक होता है सूर्य और इस टाइप की मजिस्ट्रेट टाइप पोजिशन रूलिंग रूलिंग पोजिशन टाइप जो एक्टिविटीज होती हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हेल्थ के परस्पेक्टिव से मैंने काफी सारी चीजें बताई दी आपको इसका सूर्य जो है ब्रेन का कारक भी होता है सी का कार्य भी सूर्य होता है ठीक है तो बाकी मैंने बता दिया आपको काफी सूर्य जॉन्डिस का कार्य होता है सूर्य जो होता है हमारे बॉडी को सोल को रिप्रेजेंट करता है हमारे नेचर को हमारे नाम को रिप्रेजेंट करता है सूर्य सूर्य जो है इसको प्लेस ऑफ वर्शिप भी माना गया इसलिए ठीक और इसका जो स्थान माना गया सूर्य का वो फॉरेस्ट या भगवान शंकर का मंदिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गवर्नमेंट सरकारी भवन पंचायत ये सब सूर्य की जगह मानी गई है ठीक इन सबको सूर्य से लेट किया गया है इन सब चीजों को सूर्य स्ट्रांग होता है बली होता है तो लोग आशावादी होते हैं और सूर्य वीक होता है तो इंसान निराशावादी होता है पीड़ित सूर्य जो होता है व्यक्ति का वो ऋषालु होता है उसको विश्वास ना करने की आदत होती है वो विश्वास नहीं कर पाता जनरली जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाता ठीक सूर्य सूर्य के जो पेड़ पौधे होते हैं वो काट कांटेदार पेड़ होते हैं घास नारंगी का पेड़ औषधि जड़ी बूटियों का पेड़ वो सूर्य के माने आते हैं सूर्य की जो जड़ होती है बेल मूल की जड़ सूर्य की जड़ कहलाती है और एक मुख्य रुद्राक्ष सूर्य का है आजकल एक गाना चल रहा है ना केसर रिया केसर रिया वो सूर्य केसर रिया केसर रिया ना कुछ गाना वो सूर्य है सूर्य का रंग है वो सूर्य का जो मंत्र होता है वो होता ओम हरांग हिरिंग सुराय नमः ओम हरांग हिरिंग नमः ये बीच मंत्र है सूर्य का जो तांत्रिक मंत्र होता है वो थाम घृणी ये तांत्रिक मंत्र होता है सूर्य का वैदिक मंत्र काफी लंबा सा होता है वो मैं आपको लिख दे दे दूंगा वो मेरे से अभी प्रनाउंस नहीं होगा बहुत लंबा सा है वो अब अगर तो सूर्य की अगर तो सूर्य की माला जपनी है तो बीज मंत्र यूज़ करो सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो तो मंत ओ, तांत्रिक मंत्र ओम घृणी ओम नमहाम घृणी नमः। तांत्रिक मंत्र कब यूज करते हैं बोला था जब जल प्रदान कर रहे हो सूर्य को तो तांत्रिक मंत्र क्यों क्या तांत्रिक मंत्र क्यों क्या जाता है

और बात करें अगर हम सूर्य के विषय में सूर्य जो है राम अवतार भगवान राम सूर्य वंशित है राइट राइट राम अवतार भगवान राम सूर्य सूर्य इमोरल एक्टिविटीज अगर इंसान जैसे मैंने अभी बोला कि सेल्फ सेंटर है एंग्री है तो ये सूर्य वीक की निशानी है सूर्य की निशानी है और इंसान बहुत ज्यादा हम्बल है और लोगों को समझता है साथ ही चलता है एंथस्टिक है उसमें झील है करेज है इंस्पिरेशन है लीडरशिप क्वालिटी है ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटी है इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो इंसान तो सूर्य जो उसका अच्छा अच्छा काम कर रहा है अच्छे सूर्य में भी ईगो होती है बुरे सूर्य में भी ईगो होती है ईगो दोनों में होती है लेकिन बुरे सूर्य वाला जो ईगो होगा वो हर्टिंग होगा और जो अच्छे सूर्य वाला ईगो होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा ये दोनों में फर्क ठीक दिस इज़ द द डिफरेंस बिटवीन सूर्य सूर्य जो है एक इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी है इन्फ्लुएंसर है क्योंकि ऑर्गेनाइजर है लीडर है सूर्य सूर्य जो है एक आ, लिटी है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पर्सनैलिटी है सूर्य आर दी सूर्य की हैं ये, ये सूर्य है अब इसको रिलेट करके आपको ये धीरे धीरे ये समझ में आना चाहिए कि सूर्य होता कैसा है और ये काफी हद तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया और भी चीजें सूर्य में बहुत सारी आती हैं, जैसे जैसे याद आएंगे बताता रहूंगा बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स जैसे जैसे आप इसको अपने जिस मन में अंदर बसा लोगे, कैन एबल टू रिलेट वेरी इजिली सूर्य सूर्य कहां बैठा है कैसा बैठा है पहले बात तो सूर्य समझ में आ जाना चाहिए सूर्य है क्या तब आगे काम होगा अगर सूर्य के बारे में समझ में आया तो हम आगे चंद्रमा के पे चलते हैं इज इट ओके इज इट क्लियर जो चीज मैंने अभी तक कर हाँ है, है। कलरफुल आईज वो मतलब क्या हुआ रेडिश कलर की आईज होती, न, लोगों की। लाल की आईज होती है लोग लो थोड़ा थोड़ा वो बुरे सी रंग की लाल रंग की आईज होती है आई बोल सर आईबॉल जो होता है ना, ना, हाँ आईबॉल जो होता है कलर, कलर आईज होती है ना तो सूर्य कोजेंट करती है किसी की ग्रेश टोन होते है किसी की ब्लूइश होती है नहीं इसमें रेडिश एंड ब्राउनिश कलर की जो आईज होती है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है सरकार से दंड सरकार से दंड सूर्य सरकार सरकार से अगर सूर्य अच्छा नहीं होगा तो इंसान को सूर्य सरकार से दंड की थोड़ी सी फीलिंग रहेगी बिजली से करंट की समस्या रहेगी सूर्य जो है अगर इंसान को थोड़ा तकलीफ दे रहा होगा तो इंसान को मान सम्मान प्रतिष्ठा रेपुटेशन रिक्नाइजेशन के अंदर धक्का लगेगा चढ़ेगा भी ऊपर गिरेगा भी ठीक है और जिसका सूर्य अच्छा काम नहीं कर रहा होता ना उसको सरकारी तंत्र से मिलके काम करना चाहिए सरकारी तंत्र से लड़के काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको सरकार से पनिशमेंट मिलेगी अदरवाइज धक्का मिलेगा तो ऑलवेज वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट जिसका सुरे वीक होता है जी सुमित जी uh, सर एक हेल्थ uh, में बोलते हैं कि आप कॉपर के uh, वेसल में पानी रख के okay. तो जो कॉपर के वेसल में पानी रख के अगर हम रात को पानी रख के सुबह पीते हैं वो हमारी आत्म देखो उसके जो मेडिकल बेनिफिट्स है वो तो इज देयर वो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से बात करेंगे एक्चुअली इट इंप्रूव द सूर्य सूर्य आत्मा का कारक है और आत्म कारक ग्रह हमारे अंदर इम्यूनिटी का पहला कारक ही आत्मा है इंसान का जन्म होने पर पहली चीज उसको आत्मा ही मिलती है तभी इंसान का बर्थ होता है आगे तो सूर्य है वो सूर्य से आता है अगर लाइट नहीं है रोशनी नहीं है जीवन भी नहीं है जहां सूर्य नहीं है जीवन नहीं है। 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 तो आत्मा का है। इसलिए उसका बेनिफिट होता है। तांबे का इस्तेमाल करना सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है आजकल तो प्लास्टिक का जमाना है राहु का जमाना है सारा राहु प्लास्टिक अगर आप वैसे देखेंगे थोड़ा सा पीछे जाएं और ज्यादा नहीं तो सौ साल पीछे भी पचास साल पीछे तांबे के बर्तन में खाना बनता था तांबे के बर्तन में खाना खाया जाता था स्टील तो था ही नहीं उस जमाने में कलाई हुआ करती थी कलाई को यूज करके तांबे का बर्तन रेडी किया जाता था उसी में खाना बनता था उसी में खाना खाया जाता जा था तांबे में ही पानी स्टोर होता था तांबे से ही इंसान पानी पीता था हर जी जगह तांबा ही यूज हुआ करता था एंड दैट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर आगे आगे जब आएगा तो देखना इंसान खाना भी रसोई में बैठे खाता था और इंसान खाना भी जूट के ऊपर बैठे खाता था आसान होता था जूट का बैठे खाना खाता था इंगिठी के पास बैठे खाना खाया जाता था, था और ये सारे राहु के तत्व होते हैं इससे राहु स्ट्रोंग हो जाता है मतलब राहु मेलेफिक राहु के इम्पैक्ट कम हो जाएंगे अच्छे राहु के इम्पैक्ट बढ़ जाते थे ठीक चलिए ज्योति जी आपका प्रश्न पूछे Sir, किसी भी प्लैनेट को अच्छा करने के लिए उसका यूज करना चालू कर देना चाहिए ऐसा है क्या ओके okay. अगर तो बेनिफिक है उसका इस्तेमाल करोगे तो और बढ़ेगा इस्तेमाल करना प्लैनेट का इंटेक प्लैनेट को बढ़ाना सिंपल प्लैनेट को इस्तेमाल करना उसका इनटेक उसको बढ़ाना नेगेटिव, हुआ नेगेटिव तो? है तो उसका आउटफ्लो करना पड़ेगा जिसका सूर्य नेगेटिव है सूर्योदय को जल दें लोगों की सहायता करें ठीक आत्मा की सहायता करें एक्चुअली तो सूर्य को बल मिलेगा नहीं नहीं पानी तो? कुछ चीजें तो कॉमन लाइक like, पानी पीना तो इट इज ऑलवेज गुड ठीक है भक्ति करना इट इज ऑलवेज गुड वो बेनिफिट देगा लेकिन उसके इसमें सरकार से दगाबाजी ना करें टैक्स की चोरी ना करें बहुत लोग टैक्स की चोरी करते हैं कई प्रकार के होते हैं ठीक वो सर वो नेगेटिव होगा सर, हो सर आपने और बोला था कि सैंडलवुड तो सैंडल में सर तीन कलर होते रेड येलो रेड कलर तो रेड सैंडलवुड रेड सैंडलवुड ठीक okay. okay. है जी